मेरी रंगमंच की शुरुआत जो हुई वो लखनऊ से हुई। हमसा गुमनाम जमाने में ना होगा, गुम वो नगीन जिस पे खुदा नाम हमारा। थिएटर मतलब कोई भविष्य नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला नहीं मिलता है तो आप अच्छे रंगकर्मी नहीं बन सकते। म्यूजिक छोड़ो और ये आओ, ये ज़्यादा सशक्त माध्यम है। चलो पढ़ता लिखता नहीं है बच्चा तो इसको आर्ट में डाल दो। हम ये मान लेते हैं कि रंगमंच करने के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, आर्ट या की विधा में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करनी, लोक कथाएँ हैं, लोक परंपराएँ हैं, उनके बारे में आपको जानना होता है, तभी आप कहीं जा कर के गंभीरता के साथ रंगमंच या कला की किसी भी विधा में आप जा सकते हैं। कि आप पहले अपनी जो रूट्स हैं उनको पहचानिए, उनको जानिए। आपका आइडियल कौन है? रतनदा हमारे अंकुर जी हैं, और थिएटर एक्टर के तौर पे मैं अमरीश पुरी जी को बहुत बहुत मानता हूँ। अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे तो आप बहुत ज़्यादा जोशीले होंगे और भविष्य में वो हमेशा काम आएगा। अच्छा खाया पिया ज़रूर काम आता है। पता रंगमंच का या थिएटर का मतलब ज़्यादातर मध्यमवर्गीय परिवार में ये होता था, नाचना गाना, फ्रीलांसिंग काम करते रहे, अल्टीमेटम मिल चुका था घर या थिएटर। थिएटर को गंभीरता से लें, रंगमंच में बहुत खूबसूरत भविष्य है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है थिएटर। थिएटर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप होते तो एक हैं लेकिन जिंदगियां आप कई जीते हैं। तो अनुपम खेर साहब वहां पे टीचर हुआ करते थे अभिनय के। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस विद्यालय में मैंने पढ़ा उसी विद्यालय में प्रोफेसर के पद पे मैं नियुक्त हूँ। हमें आपकी फीस से मतलब नहीं है, हमें क्लास से मतलब है। जो NSD के लिए अप्लाई करते हैं, अगर NSD में किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं, या NSD उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है? कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अपने 4 सेंटर और हैं।